नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी के जो वहां पर करप्शन चल रहा है इसको लेकर जो बातचीत हमारी होनी है, मुझे लगता है कि आज मैंने अपने किचन का जो डोर है उसको व्हाइट बोर्ड की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो टोटल करप्शन है वो किस तरह से हो रहा है। खास करके आज हम इस बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी ने इसकी जो सफाई दी है, इसका जो स्पष्टीकरण दिया है वो क्या है, वो यूपीएससी इस बारे में क्या किस तरह से अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपीएससी पर अब इतना दबाव है कि वो अपनी बात लोगों तक कहे और ये कहे कि वो उसने करप्शन नहीं किया है। तो अगर सबसे पहले हम ये बात करें कि इस बार किस तरह से सिविल सर्विस में, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी नौकरियां हैं, उसमें किस तरह से नियुक्तियां हुई हैं सिविल सर्विस में, 2009 का इलेक्शन का ये सिलेक्शन था और इसका जो रिजल्ट आया ये 2020 में आया है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं और उससे आप इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि ये किस तरह से ये करप्शन काम करता है। तो मैं आपको कुछ डाटा देता हूं, आप इसको देखिए और इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं नहीं, या कोई इसमें कंफ्यूजन है। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये सिविल सर्विस 2019 का मामला है और इसमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आता है, 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2020 को इसका रिजल्ट आता है। अब ये जो रिजल्ट इसका 2020 को आता है, रिजल्ट किस तरह से काम कर रहा है आप इसको देखिए। इस रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको क्या क्या बताता है। तो ये जो एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम हुआ है कुल मिलाकर 927 सीट के लिए। अब 927 सीट के लिए जो एग्जाम हुआ है, इसमें जो इन्होंने अपने हिसाब से जनरल कैटेगरी जिसको बोल रहे हैं, उसमें 397 लोगों का रिक्रूटमेंट होना है। ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी आई है, इसमें रिक्रूटमेंट कितना होना, 83। ओबीसी में रिक्रूटमेंट होना है 251, ये टोटल इनको यहां पर लेना है। शेड्यूल कास्ट से कितने उठाने हैं, 129, और शेड्यूल ट्राइब से उठाने हैं 67, ये टोटल इनको, ये जोड़ने के बाद 927 का आएगा। अब 6 अगस्त 2020 का रिजल्ट क्या बता रहा है कि उन्होंने 829, ये टोटल इन्होंने इसका रिजल्ट, सिर्फ 829 का रिजल्ट इन्होंने जारी किया, जबकि इनको जारी कितने करना था, 927 का। ये यहां पर मैच नहीं कर रहा है अगर आप देखेंगे तो, राइट। अब उन्होंने जारी क्या किया, जनरल कैटेगरी के 304 लोगों का, ईडब्ल्यूएस के 7800 का, ओबीसी के 251 का, शेड्यूल कास्ट के 129 का और शेड्यूल ट्राइब के 67 का। अब ये जो गैप है, आप 927 में 829 घटा देंगे तो ये जो गैप है, ये गैप कहां गया, ये सवाल है। अब इस गैप का ये जो नंबर में फर्क है, खास करके ये फर्क आ रहा है कहां पर, यहां आ रहा है। देखिए आप, जनरल कैटेगरी में ये फर्क आ रहा है, 997 की लिस्ट इनको भेजनी थी सरकार को, सरकार को लिस्ट कितने की भेज रहे हैं, 304 की, तो ये मैच नहीं कर रहा है। यहां पर आप पाएंगे कि एक मेजर समस्या आपको यहां पर नजर आ रही है कि गैप है। अब इस गैप का यूपीएससी कर क्या रहा है, वो बोल रहा है कि ठीक है, हमने ये इतने लोगों की लिस्ट तो भेज दी, इसके बाद हम एक रिजर्व लिस्ट भेजेंगे, लेकिन उसमें नाम नहीं बताएंगे और कौन लोग हैं उसमें, कौन उसमें जाएंगे, ये हम उनको नहीं बताएंगे। तो ये रिजर्व लिस्ट इसके बाद आती है। रिजर्व लिस्ट क्या है, ये 91 आदमी इसमें जनरल कैटेगरी में है,
09 कैंडिडेट जो हैं वो EWS में है, ओबीसी में 71 की लिस्ट है, 8 की लिस्ट शेड्यूल कास्ट में है और 3 की लिस्ट शेड्यूल ट्राइब में है। अब ये जो रिजर्व लिस्ट है ये यूपीएससी बोलती है 6 अगस्त को कि हम बताएंगे नहीं कि ये कौन लोग हैं, ये बस हमने बना के रख ली है, ये हम बाद में कभी देखेंगे कि क्या करना है। ये यहां पर असल में यूपीएससी का जो करप्शन है वो यहां से शुरू होता है कि आपने 829 की लिस्ट भेजी, 927 की भेजनी थी और 182 लोगों की लिस्ट आपने बना के रख ली जो आपने बता नहीं रहे हैं कि ये क्या है, कौन है, ये हम नहीं बताएंगे, ये इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। अब क्या होता है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 6 अगस्त के 5 महीने बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आपको 4 जनवरी को इनफैक्ट इनका एक और रिजल्ट आता है। अब वो रिजल्ट क्या है, वो कैंडिडेट टोटल 89 कैंडिडेट का एक नया रिजल्ट वो जारी करते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी के 73 लोग आ जाते हैं, एक EWS का आता है, 14 ओबीसी के आते हैं, 8 शेड्यूल कास्ट का आता है, शेड्यूल ट्राइब का एक भी कैंडिडेट नहीं आता है। अब ये आपका टोटल ड्रॉइंग बोर्ड है, ये इससे इसके अंदर ही ये सारा करप्शन है। अब ये करप्शन किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको बताता हूं। इस करप्शन के काम करने का तरीका मैं इसको थोड़ा सा हाइट ले लेता हूं, तो ये वह क्या है कि यूपीएससी को क्यों करना पड़ रहा है, क्यों उसको एक रिजर्व लिस्ट बनानी पड़ रही है 182 लोगों की और फिर 89 लोगों की का एक अलग से रिजल्ट क्यों जारी करना पड़ रहा है। असल में हुआ क्या है कि ये जो 89 लोग हैं ये असल में जनरल मेरिट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के हैं जो कि जनरल मेरिट में कंप्लीट कर रहे हैं, इनको इनको बाहर करना है किसी तरह से, ये जो कैंडिडेट है इसको उनको बाहर करना है, 89 कैंडिडेट को इनको से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। इस छुटकारा पाने के लिए इन्होंने मेथड क्या अपनाया कि आप जो यहां पर ओबीसी का 259, शेड्यूल कास्ट के 129 और 67 जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, अब इनको वो एक ऑफर दे रहे हैं कि अच्छी बात है यहां पर आप लोग जो कैंडिडेट हैं आप अगर अच्छी सर्विस चाहते हैं अपने पसंद का स्टेट चाहते हैं तो आप जो जनरल मेरिट में यहां पर घुसे हुए हैं ये जो आप 71 लोग आप खुद को ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्लेम करो। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जैसे ही वो घुसते हैं यूपीएससी के का ये विश्लेषण है कि यहां घुसते ही जनरल कैटेगरी में ये सीट खाली हो गई है और यहां वो जनरल मेरिट से उतने लोगों को उठाकर यहां पर वो अपनी लिस्ट पब्लिश कर दे रहे हैं कि यहां पर ये सारे लोग यहां जाएंगे। तो यहां से जो सीटें खाली हो रही हैं एससीएसटी ओबीसी की इस वजह से कि इनको सर्विस का लालच देकर कि भाई सर्विस आपको अच्छी मिलेगी आप अपनी कैटेगरी में घुसो, तो ये जैसे ही अपनी कैटेगरी में घुस रहे हैं तो इसको यूपीएससी का जो विश्लेषण है ये सीटें कहां से खाली हुई हैं, खाली तो हुई हैं ये इन कैटेगरीज के 71 लोग जो हैं वो यहां से वो खाली हो रही है, भर कहां से रहे हैं वो फिर यहां से भर रहे हैं। ये है कुल करप्शन और हर साल दर साल अगर आप इसका आंकड़ा लेंगे तो ये नंबर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ये नंबर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो साल दर साल ये आप समझिए कि कई हजार सीटों का इस तरह से घोटाला घोटाला हुआ है। अब इसमें मैं आपको एक मिनट कुछ कमेंट्स में देख लेता हूं किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सो दैट अगर कोई मुझे रिस्पॉन्ड करना है। कुछ तो गालियां वगैरह हैं परमार जैन वगैरह ठीक है। भरत नागर कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये करती थी, ठीक है इसका जवाब भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यतिन सिंह कह रहे हैं कि एससीएसटी ओबीसी एक साथ एक मंच पर आकर इसका विरोध करें, ओबीसी की सीट खाली होने पर सवर्ण को भरना करप्शन है रविकरण मौर्य कह रहे हैं, ठीक है ये इस तरह के मोटे तौर पर कमेंट आ रहे हैं। यूपीएससी किसके दायरे में, नरेंद्र मोदी के अर्थात चोर कौन, विनय कुमार कह रहे हैं। देखिए ये तो है कि यूपीएससी जो है वो
डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है और डीओपीटी मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री ही हैं, नरेंद्र मोदी ही उस भाग के मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह उसमें स्टेट मिनिस्टर हैं। तो सिद्धार्थ सिंह पूछ रहे हैं कि सर इसका समाधान क्या है, मैं बताता हूँ इसका समाधान क्या है, कहाँ पर ये चीजें जाके फंस रही है। धीरज कुमार कह रहे हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाए, देखिए ये तो हो रहा है लेकिन ये बात वहां तक पहुंच नहीं रही है जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। विनोद मौर्य कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही हैं। अच्छा अमित सिंह कह रहे हैं मत पढ़ो कमेंट, मनवादी जी ने नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हम इनके कमेंट वगैरह से कोई हमारी जिंदगी को खास फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी सिस्टम हिली हुई है, सरकार हिली हुई है और ओबीसी कमीशन ने इसका संज्ञान लेने का ही फैसला किया है, तो मामला काफी बड़ा हो गया है, इतनी आसानी से इसको नहीं कर सकते। रविशंकर कह रहे हैं दिव्यांग जन की सीट एडजस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, हर कैटेगरी में उसको चला जाता है। कुंदन यादव पूछ रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। खैर तो ये जो पूरा मामला है इसको मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये किस तरह से शुरू हुआ है और विवाद का जेनेसिस कहां पर है। देखिए विवाद जो है वो शुरू हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2003 में, जब उनकी सरकार थी उस समय ये सारा विवाद शुरू हुआ है। एक तरह से बीजेपी के समय में ये करप्शन शुरू होता है, कांग्रेस इस करप्शन को जारी रखती है और बीजेपी की सरकार फिर से आई है तो वो इस करप्शन को दोगुने तिगुने रफ्तार से जारी रखे हुए है। अब इसकी संवैधानिकता बात करते हैं कि ये किस तरह से असंवैधानिक है। देखिए भारत में जो आरक्षण का प्रावधान है नौकरियों में वो आर्टिकल 16(4) से आया है और इसको लेकर भारत में अब तक की न्यायपालिका की सबसे बड़ी बेंच 9 जजों की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी मामले में, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 SCC 2017 जो केस है इसमें उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है और एक फैसला दिया है कि ये इसको किस तरह से लागू किया जाए। तो मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं और ये एक जजमेंट से ही पढ़ के सुना रहा हूं और इंदिरा साहनी का जजमेंट अंडर कोर्ट ये है। इन दिस कनेक्शन इट इज वेल टू रिमेंबर दैट द रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) डू नॉट ऑपरेट लाइक अ कम्युनल रिजर्वेशन। और इसका क्या मतलब है कि 16(4) कॉन्स्टिट्यूशन के जो का जो अनुच्छेद है उसके तहत जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है कि हर कैटेगरी को आबादी के हिसाब से दे दिया जाएगा और इसी हिसाब से सवर्णों को भी दे दिया जाएगा, इस तरह का रिजर्वेशन नहीं है। ये जो एक ऐतिहासिक पिछड़ापन है और तमाम इशूज है उसको मिटिगेट करने का जरिया है। अब मैं फिर से कोट कर रहा हूं, इट मे वेल हैपन दैट सम मेंबर्स बिलोंगिंग टू से शेड्यूल कास्ट गेट सेलेक्टेड इन द ओपन कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन मेरिट, दे विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द कोटा रिजल्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, दे विल बी ट्रीटेड एज ओपन कॉम्पिटिशन कैंडिडेट। ये अंडर कोर्ट यहां मैं खत्म कर रहा हूं, मैं इसको पूरा कोटेशन फिर से पढ़ रहा हूं, इंदिरा साहनी जजमेंट 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला है। इन दिस कनेक्शन इट इज वेल टू रिमेंबर दैट द रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) डू नॉट ऑपरेट लाइक अ कम्युनल रिजर्वेशन, इट मे वेल हैपन दैट सम मेंबर्स बिलोंगिंग टू से शेड्यूल कास्ट गेट सेलेक्टेड इन द ओपन कॉम्पिटिशन फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन मेरिट, they will not be counted against the quota reserved for scheduled caste, they will be treated as open competition candidates. So you can just comprehend what the supreme court want to say. supreme court yahan par ye kehne ki koshish kar raha hai ki communal reservation nahi hai, aisa ho sakta hai udaharan ke taur par ke scheduled caste ke kuch candidates jo hain wo apni merit se open competition mein aa jaye, उनको लेकिन रिजर्वेशन के तहत शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, दे विल बी ट्रीटेड एज ओपन कंपटीशन कैंडिडेट। अब ये 1992 का फैसला है, इसको इस फैसले से कोई बड़ा फैसला इसके बाद नहीं आया है, तो इसको एक तरह से निर्णायक फैसला इस मामले में माना जाना चाहिए। अब इसके बाद अगला फैसला आर के सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 SCC 745 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिससे बैठती है और रिजर्वेशन पर विचार करती है, अब वो क्या फैसला देती है, मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूं, अब फिर से मैं कोटेशन के अंदर हूं। When a percentage of reservation is fixed in respect of a particular cadre and the roster indicates the reserve points,
इट हैज टू बी टेकन दैट द पोस्ट सोन एट द रिजर्व पॉइंट आर टू बी फिल्ड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ रिजर्व कैटेगरीज। तो रोस्टर पर या पार्टिकुलर कैडर में कोई एक पॉइंट आता है कि यहां पर ये पोस्ट रिजर्व है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या करता है, आर टू बी फिल्ड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ रिजर्व कैटेगरीज एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, अगले पेज पे जा रहा हूं, आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर द रिजर्व पोस्ट। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी के वो रिजर्व पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन कंपीट द नॉन रिजर्व पोस्ट एंड इन द इवेंट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट टू द सेट पोस्ट देयर मेंबर्स कैन नॉट बी एडेड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर वर्किंग आउट द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन। तो ये है कि जो नॉन रिजर्व पोस्ट है वहां पर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जा सकता है, लेकिन उनका वहां पर जाना जो है वो रिजर्वेशन के परसेंटेज को प्रभावित नहीं करेगा। ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ठीक है। अब मैं एक और जजमेंट पढ़ रहा हूं, इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान 1995 का केस है, सुप्रीम कोर्ट SCC 64684। इट हैज बीन हेल्ड बाय दिस कोर्ट एट पेज SCC 705 दैट व्हाइल डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी बट सेलेक्टेड प्रोमोटेड ऑन द रूल ऑफ मेरिट एंड नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन shall not be counted as reserve category candidate। मैं इस जजमेंट को फिर से पढ़ रहा हूं, वीरपाल सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, that while determining the number of post reserved for scheduled caste and scheduled tribe the candidate belonging to reserve category but selected promoted on the rule of merit and not by virtue of rule of reservation shall not be counted as reserve category candidate। तो जो मेरिट से आ गया उसको रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आप काउंट नहीं कर सकते। एक और जजमेंट, रितेश आरसा वर्सेस YL यामोल एंड अदर्स 1996 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 253 पेज 261-262 में पढ़ रहा हूं। और स्टूडेंट हु इज एंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दो बिलोंगिंग टू अ रिजर्व कैटेगरी cannot be considered to be admitted against seat reserved for reserve category। ये sentence फिर से सुनिए, a student who is entitled to be admitted on the basis of merit though belonging to a reserve category cannot be considered to be admitted against seat reserved for reserve category but at the same time the provision should not so made that it will not work out to the disadvantage of such candidate and he may not be placed at a more disadvantageous position than the other less meritorious reserve category candidate। तो मैं चुन लिया गया हूं reserve category का हूं, merit पे चुन लिया गया हूं, इसलिए मुझे reserve category के बाकी candidates के नीचे place नहीं किया जाएगा। और इसका फिर उन्होंने तरीका भी बताया कि कैसे किया जा सकता है। तो सरकार के पास सब कुछ है, सरकार को मालूम है, यूपीएससी को मालूम है कि वो इस काम को गलत तरीके से कर रही है, बेईमानी कर रही है। रितेश आरसा जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसका एक और हिस्सा पढ़ रहा हूं। व्हाइल अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंटाइटल्ड टू एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट विल हैव द ऑप्शन प्रेफरेंस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज वेयर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन केप्ट रिजर्व फॉर रिजर्व कैटेगरी। मतलब कि मैं मेरिट में चुन लिया गया हूं, इसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन है, चॉइस है कि मैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो अच्छी सीट या अच्छा कॉलेज है वो मैं चुन सकता हूं। बट व्हाइल कंप्यूटिंग द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ही सॉल्व सेल्फ ही विल बी डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड एज एन ओपन कैटेगरी कैंडिडेट एंड नॉट एज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। मुझे रिजर्वेशन से मैंने मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट से सिलेक्शन हुआ, मैंने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है तो मुझे उसका एडवांटेज मिलेगा व्हाइल चूजिंग द सीट और कॉलेज और व्हाटएवर। लेकिन while computing the percentage of reservation he will be deemed to have been admitted as an open category candidate and not as a reserve category candidate। अब जो मैं जजमेंट पढ़ रहा हूं आगे, ये इस जजमेंट के बारे में मैं आपको और डिटेल आगे बता दूंगा।
बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द कमीशन, यहां पर कमीशन यूपीएससी है, यूपीएससी विदाउट रिजॉर्टिंग टू रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड ऑन मेरिट डिड नॉट गेट हिज प्रेफरेंस से आईएएस इन द मेरिट ओपन कैटेगरी। मतलब ये जजमेंट कह रहा है कि एक रिलैक्स मेरिट के तहत कोई आदमी चुना गया एससी एसटी ओबीसी का जनरल मेरिट में और उसको जैसे कि आईएएस नहीं मिल रहा है। अब इसका कोर्ट सॉल्यूशन क्या बता रहे, फॉर दैट ही मे ऑप्ट द प्रेफरेंस फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी बट सिंपली बिकॉज ही ऑप्टेड अ प्रेफरेंस फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी डज नॉट एडजस्ट कोट ऑफ ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट। मतलब मैंने ओबीसी कैटेगरी क्लेम कर लिया सिविल सर्विस में आईएएस पाने के लिए और मैं जनरल मेरिट में हूं, इसका मतलब यह नहीं कि ओबीसी कैटेगरी की सीट कम हो गई। ये यूपीएससी कर रहा है कि एक आदमी जो जनरल मेरिट में आ गया है, ये जब जनरल मेरिट में है तो जब वो अपना प्रेफरेंस चुन रहा है तब वो यहां कंसिडर हो रहा है और वो ओबीसी की सीट एक खा जा रहा है यूपीएससी के अभी के नियम के हिसाब से, जो कि कोर्ट का साफ साफ कहना है कि बट सिंपली बिकॉज ही ऑप्टेड अ प्रेफरेंस फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी डज नॉट एडजस्ट कोटा ऑफ ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर रिलैक्स स्टैंडर्ड सच प्रेफरेंस ऑप्टेड बाय द ओबीसी कैंडिडेट हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय द कमीशन विदाउट रिजॉर्टिंग टू द रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑन मेरिट शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जजमेंट आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में कि कोई आदमी अगर जनरल मेरिट में आ गया है, ये जजमेंट में पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस सत्य प्रकाश एंड अदर्स 5 अप्रैल 2006 का ताजा जजमेंट है, पुराना भी नहीं है, और जस्टिस एच के सिन्हा और जस्टिस ए आर लक्ष्मणन ने यह जजमेंट लिखा है, सिविल अपील में यह फैसला आया था। तो आप देखिए कि लगातार इस बारे में बहुत स्थिति स्पष्ट है कि कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है, आप अपर कास्ट को उसको ये नहीं कर सकते हैं कि वो उसके लिए भी आप कोटा निर्धारित कर दें, उनका कोई कोटा निर्धारित करना जो है ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है। और यूपीएससी इसमें स्पष्ट रूप से करप्शन कर रही है, वो रुपये पैसे का खेल कर रही है कि नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम कि वो अंदर क्या चल रहा है, वो किसी पसंद के नेता वगैरह के नाम को उनके बच्चों के नाम को सेट कर रही है कि नहीं कर रही है हम नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर अब काफी विवाद है कि मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जो पूरा ये जो मामला है वो आप बहुत स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से प्ले आउट हो रहा है, किस तरह से ये सारा का सारा मामला गंभीर रूप से इम्प्रोप्राइटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 16(4) का स्पष्ट उल्लंघन है, कम्युनल रिजर्वेशन है। और मैंने कई जजमेंट पढ़े, जैसे आपको इंदिरा सानी जजमेंट पढ़ा, आपको सत्य प्रकाश जजमेंट पढ़ा, सबरवाल जजमेंट पढ़ा, ये सारे जजमेंट आप देखिए, रितेश शाह जजमेंट पढ़ा, ये सारे जजमेंट आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कोई कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी में अप्लाई कर देने की वजह से जनरल मेरिट से बाहर नहीं हो जा सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आप अपर कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हैं, या इस 397 के अंदर में मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा, यहां पर ये जो 50% ईडब्ल्यूएस मिलाकर हो जा रहा है, ये पूरा 50% जो है वो हर हाल में अपर कास्ट से भरा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 15% आबादी आधी सीट लेगी और 85% आबादी इसके बाद की आधी सीट लेगी, ये असल में करप्शन है। तो प्रश्न आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब जवाब दे, रविकरण आपने क्या सवाल पूछा है मुझे दिख नहीं रहा, अगर आप दोबारा पूछ लें, यूपीएससी खुलेआम एससी एसटी ओबीसी के आंखों में धूल झोंक रही है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए और लगातार इस मामले में जो भी सिविल सर्विस में के लिए तैयारी कर रहा है उन सारे लोगों को ये मालूम है कि ये घपला हो रहा है और यह प्रकाश रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो इसके बारे में तो कम से कम कोई संदेह या शक की गुंजाइश नहीं है। और कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, देखिए कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं ये बड़ा एक सवाल है कि जैसे उसी वजह से नहीं जा रहे हैं जिस वजह से किसान कोर्ट नहीं जा रहे हैं। कोर्ट से आपको रिजर्वेशन पर जो अब कोर्ट की स्थिति है उसमें रिजर्वेशन पर पक्ष में आपको यानी न्याय के पक्ष में फैसले आने के
चांसेस बहुत कम हो गए हैं। लोगों को मालूम है कि अदालतें इस समय किस तरह से काम कर रही हैं, कॉलेजियम सिस्टम वगैरह का आने के बाद से किस तरह से वहां पर अपर कास्ट के जजों का वर्चस्व बना है, और इस पर तो खैर पार्लियामेंट ने भी चिंता जताई है और कानून मंत्री भी चिंता जता चुके हैं, और एससी एसटी ओबीसी के जजेज ऑलमोस्ट नहीं है इस समय सुप्रीम कोर्ट में। ओबीसी का शायद कोई नहीं है, एसटी का भी कोई नहीं है, शेड्यूल कास्ट का सिर्फ एक जज है। तो ऐसी न्यायपालिका से न्याय मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को लग रहा है शायद कि न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो ये जो पूरी समस्या आ रही है, इसको कैसे सॉल्व होगा, इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि तो राजनीतिक पार्टियां क्यों इस मामले को नहीं उठा रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां भी समाज के अंदर की धाराओं को समझने की कोशिश करती है। एससी एसटी ओबीसी के अंदर कोई चेतना है इस मामले को लेकर, और उनको लगता है कि एससी एसटी ओबीसी का वोट अगर लेना है तो हमें इनके क्वेश्चन को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर ये उनके अंदर बात आएगी तो निश्चित रूप से एड्रेस करेंगे, लेकिन ऐसा हो तो वो नहीं करेंगे कि इस मामले को उठाते ही अपर कास्ट नाराज हो जाएगा और एससी एसटी ओबीसी आया नहीं। तो जिनको जिनको आना था वो आया नहीं, जिनको नाराज होना चाहिए वो नाराज हो गए। तो ऐसा कोई सौदा राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। समाज के अंदर में इसको लेकर बड़ी चेतना की जरूरत है, इस बात को बहुत लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैंने अलग से रिक्वेस्ट भी किया कि आप इस तरह के वीडियोस को शेयर करें, खुद देखें, यूपीएससी के साइट पर जाकर, गूगल पर जाकर यूपीएससी के रिजल्ट सर्च करके देखें कि किस तरह से रिजल्ट आया है, किस तरह से रिजल्ट लिस्ट आती है। अब मैं आखिरी अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में जाता हूँ, लंबी बातचीत हो गई है, कि ये पूरा जो मामला है इसको यूपीएससी क्या क्या सफाई दे रही है। देखिए, यूपीएससी की सफाई दो चार पॉइंट बहुत स्पष्ट है। यूपीएससी के अभी ताजा जो सफाई आई है वो आज यूपीएससी की साइट अगर आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर में ही आपको यूपीएससी किसको नौकरी दे रही है इसकी चर्चा नहीं, वो सफाई दे रही है कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं। अब वो सफाई क्या क्या दे रही है, पहली सफाई है यूपीएससी ने कोई नियम नहीं बनाया है, ये सारे नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं, हम सिर्फ केंद्र सरकार के नियमों को लागू कर रहे हैं। तो यूपीएससी ने सारा जिम्मा जो है वो मोदी सरकार पे छोड़ दिया कि उनका नियम हम तो सिर्फ लागू कर रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि काफी समय से चल रहा है। जी बिल्कुल, ये काफी समय से चल रहा है, अब हमें समझ में आया है, हमें थोड़ा देर से समझ में आता है। आपकी क्या समस्या है, मुझे आज समझ में आ रहा है कि इसमें घोटाला है, और हम इस समय जब इस इशू को कभी भी ट्विटर वगैरह पर डालते हैं तो 1 लाख 2 लाख लोग इस पर रिट्वीट कर देते हैं, कल भी 50,000 लोगों ने रिट्वीट कर दिया। तो मतलब हम अब जगे हैं, ठीक है, हम थोड़ा देर से जगे हैं, थोड़ा मतलब मेहनत कर जमात के लोग हैं तो नींद ज्यादा आती है, हो सकता है हमारी समस्या, लेकिन अब आप इसको एड्रेस कीजिए। इसके अलावा वो कह रही है कि ये जो पूरा मामला है इससे एससी एसटी ओबीसी को हम फायदा पहुंचाते हैं, उनको तो हम अच्छा काडर देते हैं, तो वो तो आपको ऐसे भी देना है। आप किसी भी तरह से जब आपको सरकार बोलती है कितने पद हमें इतने कैंडिडेट भेजिए, तो उसी से बता देते हैं कि ओबीसी का इतने लोग आईएएस में जाएंगे, इतने आईपीएस में जाएंगे, उसमें आप क्या कर रहे हैं। तो ये पूरा जो पूरा मामला है दो तरीके से यूपीएससी इसको गाइड कर रही है, तो बहुत समय से चल रहा है, दूसरा हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं जी, ये पूरी जो पूरा मामला है सरकार से, आप सरकार से बात करो। तो ठीक है, सरकार से ही इस बारे में बात होगी और सरकार से निश्चित रूप से इस बारे में चर्चा होगी। मुझे लगता है कि मैं पूरी बातचीत के आखिर में आपको एक बार ये जो आंकड़ा है इसको मैं आप भी ये सारे आंकड़ा जो है उपलब्ध है, यूपीएससी की वेबसाइट उपलब्ध है, भारत सरकार की वेबसाइट उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। फिर भी एक बार आपको मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ कि ये पूरा मामला क्या हुआ है। देखिए, पूरा ये परीक्षा है, ये सिविल सर्विस 2019 की परीक्षा है जिसका रिजल्ट जो है 2020 में आता है, थोड़ा सा रिजल्ट बचा कर रखा जाता है जो कि 2021 में आता है। ये 4 अगस्त 2020 को यूपीएससी पहला रिजल्ट जारी करती है, और रिजल्ट जो जारी करती है उससे उसमें ये भी बताती है कि हमें टोटल 927 कैंडिडेट चुनने के लिए हमें सरकार ने बोला है, लेकिन यूपीएससी रिजल्ट जारी करती है 829 लोगों का। अब 927 जो कैंडिडेट भेजने के लिए सरकार ने उसको कहा है, उसमें से 397 ओपन कैटेगरी है, 83 ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी के 251 है, शेड्यूल कास्ट के 129 है, शेड्यूल ट्राइब के 67 है। अगर यूपीएससी पारदर्शी तरीके से काम करती तो वो 4 अगस्त को रिजल्ट जारी करते हुए इन सारे लोगों का नाम अपनी वेबसाइट पर डाल देती, किसको कितना नंबर मिला है बता देती, किस्सा खत्म, यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं रहती विवाद की। अब लेकिन यूपीएससी ने तय किया है कि कुछ घपला करना है, तो उन्होंने क्या किया कि 927 की जगह 829 का रिजल्ट जारी कर दिया।
और आप समिति इसमें कैसे जारी किया, देखिए 304 जो है वो ओपन कैटेगरी की लिस्ट उन्होंने जारी की, यहीं पर सबसे ज्यादा खुला है। 397 भेजना था, आप 304 भेज रहे। इसके अलावा फिर आप 78-83 की जगह 78 EWS भेज रहे हैं, लेकिन SC/ST OBC का जितना मांगा गया उतना आप सारा यहीं पर भेज दे रहे हैं कैटेगरी का। तो आपको घोटाला आप यहां पर नहीं करना है, कैटेगरी का मिनिमम तो आपने दे दिया, घोटाला आपको यहां करना है 397 में। अब हुआ क्या है कि यहां से लगभग 90 कैंडिडेट जो हैं SC/ST OBC के, उन्होंने जनरल मेरिट में उन्होंने नंबर हासिल करके यहां पर हासिल कर लिया, कोई नंबर 2-3 भी हो सकता है, कई बार टॉपर भी हो जाते हैं, वो यहां पर अब आ गए। अब UPSC को इनको बाहर करना है कि ये जो कैंडिडेट आ गए हैं 71-83 ये टोटल कैंडिडेट मतलब, इनको हमें किसी भी तरीके से कैटेगरी के अंदर फिक्स करना है और जो सीट यहां उसकी वजह से खाली होगी उस सीट में जनरल कैटेगरी को भर देना है। UPSC क्या तरीका अपना रही है, 4 अगस्त का अगर आप उनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमने 829 का रिजल्ट जारी किया और 182 कैंडिडेट का हमने रिजर्व कंसोलिडेटेड लिस्ट जारी बनाई, लेकिन इसको हमने गोपनीय रखा, किसी को नहीं बताऊंगा, ये इनकी गोपनीय लिस्ट है। अब 182 में 91 जो है आपने जनरल कैटेगरी के रख दिए, 9 EWS के, OBC के 71, 8 शेड्यूल के 3, ये आपने 182 के गोपनीय लिस्ट बना ली। अब जो सारा मामला ठंडा हो गया एकदम चुपके से, 4 जनवरी 2021 को आपने चुपचाप से लिस्ट जारी कर दी, 89 कैंडिडेट हमने भेज दिए हैं जो हमको भेजने थे यहाँ पर, वो हमने टोटल तो नहीं भेजा था, वो अब भेज देते हैं। और इसमें आपने 73 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट भर दिए, मतलब आपने लगभग 80% 90 को 80% आपने इसमें जनरल कैटेगरी जो, और जनरल में भी आपने इसको जनरल नहीं माना, अपर कास्ट के कैंडिडेट आपने यहाँ पर इस लिस्ट में घुसा दिए। तो इस तरह से ये जो पूरा मामला है ये OBC, SC और ST की सीटों की चोरी का मामला है। UPSC लगातार इस पर 3 बार सफाई जारी कर चुका है और अपना जो अपनी सफाई में लगातार वो ये कर दे रहा है कि हमने नियम नहीं बनाया, सरकार ने नियम बना के दिया है वो हम लागू कर रहे हैं, और ये तो जी बहुत दिनों से चल रहा है और इसके बारे में अब क्यों बात हो रही है। तो ये दो तर्कों पर वो इसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी चिंता की बात कि राज्य सरकारें अब इससे सीख रही है, राज्यों के आयोग भी धीरे धीरे इसी रास्ते को अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और समझिए कि ये जो अभी हजारों नौकरियों का मामला है, ये लाखों नौकरियों पर ये जो करप्शन है ये जाएगा, इसको अगर आपको रोकना है, जैसे UP में भी हुआ शिक्षकों की नियुक्ति में, झारखंड में हुआ, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हो चुका है, तो कई जगह ये हो रहा है कि किसी भी तरीके से जो जनरल कैटेगरी है उसको अपर कास्ट कैटेगरी बनाया जाए। तो इसको मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। और हम सीधे सीधे मांग कर रहे हैं, कुछ कोई ऐसी बड़ी डिमांड भी नहीं है, 927 कैंडिडेट आपको भेजने हैं, आप 927 कैंडिडेट के नाम, उनकी कैटेगरी और उनको जो नंबर मिला वो हमें बता दीजिए, कोई भी बात नहीं आपसे, आप सिंपल ट्रांसपेरेंट हो जाइए। UPSC अपनी वेबसाइट पर 927 अब तो उनके अब पूरी हो चुकी है, आप सारे कैंडिडेट का नाम डाल दीजिए, उनकी कैटेगरी डाल दीजिए और उनको कितना नंबर मिला बता दीजिए, हमको आपसे कोई भी बात नहीं, बाकी हम उस नंबर से संतुष्ट हो जाएंगे। आप उसको छिपा क्यों रहे हैं, हमारी इस पर्दादारी से शिकायत है, हमारी समस्या ये पर्दादारी है जो आप चोरी छिपे कर रहे हैं, हमको उस सिस्टम से समस्या है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लेकर हम जितना उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां पर ये राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुद्दा कोर्ट से नहीं हल होना है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस से ही हल होगा। और ये इसको हम जितने वैज्ञानिक तरीके से इन तर्कों को समझेंगे और रखेंगे, हम शायद इस इशू को भी रिजॉल्व कर लेंगे। जैसे कि SC/ST एक्ट को हम लोगों ने खत्म होने से बचाया, या रोस्टर को जिस तरह से रिजर्वेशन खत्म करने की एक रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर उसके खिलाफ अल्टीमेटली जब इतना बड़ा भारत बंद वगैरह हुआ तो सरकार को उस पर कानून बनाना पड़ा। तो ये मामला मुझे लगता है कि उसी तरह से हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।